गुड मॉर्निंग एवरीवन. वी वर गोइंग थ्रू द लेसन एग्रीकल्चर, दैट इज द सेकंड लेसन ऑफ जियोग्राफी. टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, देन आफ्टर डिफरेंट क्रॉप्स वी हैव डिस्कस्ड द फूड ग्रेन्स टिल नाउ. नाउ देन आफ्टर वी हैव स्टार्टेड विद द फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. अनाज के अलावा जो खाने पीने के लिए हमारे पास और फसलें इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में. एंड इन दैट वी हैव डिस्कस्ड ओनली वन, दैट वाज सुगर केन. उसमें केवल हमने एक पढ़ा था सुगर केन. नाउ वी आर गोइंग टू मूव नेक्स्ट. अब हम आगे नेक्स्ट ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स द सीड्स फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू गेट द ऑयल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स वी हैव, जहां से हमें जितने भी हमारे पास खाना पकाने के लिए या फिर हमारे पास बाकी जितने भी जैसे ऑइलमेंट फिर हमारे कॉस्मेटिक्स है सोप में इस्तेमाल होते हैं बहुत सारे सीड्स. ऑयल टेकन आउट फ्रॉम दोज सीड्स. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स. भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? ऑयल सीड्स. सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है भारत में और भारत के टोटल एरिया का 12% एरिया इज यूज फॉर ग्रोइंग ऑयल सीड्स. और भारत में 12% एरिया के ऊपर टोटल एरिया जो हमारा है फसल जिस पर उगाई जाती है उसको 12% के ऊपर केवल ऑयल सीड्स की खेती की जाती है. हमारे पास तो महत्वपूर्ण फसलें हैं ये जो ऑयल सीड की बात करें तो महत्वपूर्ण हमारे पास मस्टर्ड, सरसों, ग्राउंडनट, मूंगफली, कोकोनट, नारियल, सिसमम. इसमें आपका साथ में हिंदी नेम लिखा हुआ तिल और राजस्थान में तो होता भी है. देन आफ्टर सोयाबीन, कस्टर्ड सीड्स, अरंडी, कॉटन सीड्स. हालांकि ये बेसिकली हमारे पास इसका ऑयल कम इस्तेमाल होता है, ज्यादातर हमारे यहां ये किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है? जस्ट टू फीड द एनिमल्स. लीन सीड, अलसी, सनफ्लावर, ये हमारे पास इतने प्रकार के ऑयल सीड्स हैं जिनका की प्रोडक्शन भारत में होता है. इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्शन हमारे पास वो है वो ग्राउंडनट का लगभग 50%. जो हमारे पास ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन उसमें 50% किस चीज का है? केवल ग्राउंडनट का है. और ये ग्राउंडनट कौन सी सीजन की है? रबी या खरीफ? ये खरीफ की है. राजस्थान में भी होती है और अब जो मौसम है इसमें होती है तो इसका मतलब कौन सी है? खरीफ की फसल है. मस्टर्ड, सरसों और उसके बाद लीन सीड, ये किस चीज की है? ये रबी की फसल है. लेकिन लीन सीड, अलसी जो है हमारे यहां नॉर्थ में तो कौन सी फसल है? रबी की. लेकिन साउथ में खरीफ की फसल है. कस्टर्ड सीड्स थ्रू आउट दोनों सीजन में उगाई जाती है. तो ये हमारे पास महत्वपूर्ण जो हमारी फसलें हैं कौन सी? ऑयल सीड्स, जिनका कि हम खाना पकाने में ज्यादा जो ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन्हीं सारी चीजों में से कोई ना कोई, चाहे वो हमारे पास ग्राउंडनट का हो, चाहे मस्टर्ड हो, चाहे कोकोनट हो. उसके साथ साथ मैंने बताया जैसे ऑइंटमेंट है हमारे जो भी, उसके बाद सोप्स वगैरह में कॉस्मेटिक्स है उनमें भी ऑयल का कंटेंट है. ये सारा वी आर गोइंग टू गेट ऑल दिस फ्रॉम दीज ऑयल सीड्स. नेक्स्ट टी, द बेवरेज क्रॉप विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स. भारत में ये जो चाय है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई? ब्रिटिशर्स के द्वारा. ये जिस प्रकार आपने गन्ने की हिटेस पड़ी उसी प्रकार ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों एनवायरमेंट में हो सकती है. यानी आप इक्वेटर लैटिट्यूड के अनुसार है, इक्वेटर से आप 15 डिग्री से लेके और आगे 45-50 डिग्री तक की फसल हो सकती है. लैटिट्यूड इन लैटिट्यूड के ऊपर जो कंट्रीज में इसका प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है. इसके लिए अच्छी फर्टाइल सोयल चाहिए विद ए गुड ह्यूमस कंटेंट, जिसके अंदर की हमारे पास फर्टिलिटी के लिए ह्यूमस कंटेंट अच्छा हो. वेल ड्रेन्ड सोयल, पानी रुके नहीं, पानी आसानी से अगर बहुत तेज बारिश हो तो उसके अंदर आसानी से निकल जाए. वेल ड्रेन्ड सोयल रिक्वायर्ड मॉइस्ट फ्री, ज्यादा मॉइस्चर न रहे. यानी हमारे यहां ऐसा इस प्रकार क्लाइमेट नहीं हो कि जहां धुंध वगैरह रहती है हमेशा, तो मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट रिक्वायर्ड. फ्रीक्वेंट शोवर्स, बारिश होती रहे क्योंकि इसकी पत्तियां जो टेंडर लीव्स जो कोमल पत्तियां हैं वो लगातार उसकी इसी प्रकार बनी रहे मॉइस्चर. इसमें मॉइस्ट फ्री लेकिन उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि उसमें बारिश एक साथ बहुत ज्यादा ना हो लेकिन बार बार उसमें पानी देने की जरूरत पड़ती है. इसकी फ्रेशनेस को बनाए रखने के लिए, इसकी फ्रेशनेस को बनाए रखने के लिए सिर्फ जो प्रोसेसिंग है वो भी वहीं की जाती है जहां पर इसका प्लांटेशन है. कौन सी?
अब इसमें प्लांटेशन क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप है यानी एक लार्ज एरिया पर एक ही फसल उगाई जाती है बाकी नहीं उगाई जाती इसके साथ। दूसरा ये लेबर इंटेंसिव है, लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा, मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, जिसको स्किल लेबर जिसको की कुशलता से जस्ट टू प्लक दोज लीव्स, इसकी जो पत्तियां हैं वो उसके चुनने में। तो हमारे पास है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, वेल फर्टाइल सोइल इज रिक्वायर्ड, वेल ड्रेन सोइल इज रिक्वायर्ड, पानी रुके नहीं, देन आफ्टर मोस्ट फ्री क्लाइमेट, फ्रीक्वेंट सर्वर्स, लेबर इंटेंसिव एज वेल एज द प्रोसेसिंग इज डन ऑन द वेरी सेम एरिया वेयर द प्लांटेशन इज देयर टू मेंटेन द फ्रेशनेस। अब हमारे पास होती किस किस जगह पर है, अगर हमारे प्रोडक्शन की बात है तो असम सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, हालांकि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु साइड भी इसमें की जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण हमारे पास असम और वेस्ट बंगाल है। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉफी, इंडिया प्रोड्यूस्ड 4% ऑफ कॉफी, इंडिया प्रोड्यूस 4% ऑफ कॉफी ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड, तो पूरे संसार का टोटल प्रोडक्शन होता है 4% प्रोडक्शन कॉफी का कहां होता है, भारत में। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉफी विच इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज अरेबिका, इज टेकन फ्रॉम यमन, हमारे इंट्रोड्यूस कहां से की, यमन से इंट्रोड्यूस की, उसके बाद सबसे अच्छी क्वालिटी हमारे पास जो प्रोड्यूस होती है अरेबिका है। इट हैज अ गुड डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में इसकी अच्छी मांग है। इसका प्रोडक्शन की बात करें तो ये शुरुआत कहां से करी थी, बाबा बुदान जी से, ये वर्ड पहले पढ़ चुके हो आप, ज्यादा इलाका आंध्र प्रदेश में आता हूं। देन आफ्टर इट इज ऑल्सो ग्रोन इन द एरियाज ऑफ नीलगिरी, अब जो हमारी नीलगिरी की पहाड़ियां है, फिर आप वही साउथ में कर्नाटक केरल तमिलनाडु, ये जो है इस इलाके में इसका प्रोडक्शन कॉफी का ज्यादा होता है। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इंडिया हैज ए डाइवर्स क्लाइमेट, विभिन्न प्रकार का हमारे पास क्लाइमेट, दैट्स व्हाई वी हैव डाइवर्स क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स एज वेल एज द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड इंडियाज क्वालिटी ऑफ डिफरेंट फूड्स आर वर्ल्ड वाइड फेमस, वी हैव डिफरेंट स्टेट्स विद द मोर प्रोडक्शन एज वेल एज वेल रेपिड प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट्स, मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज, जो हमारे आम का उत्पादन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऑरेंज, नागपुर सबसे फेमस है नागपुर के, उसके बाद चेरापुंजी, चेरापुंजी मेघालय, देन आफ्टर बनाना केरला एंड मिजोरम, लीची एंड गुआवा उत्तर प्रदेश एंड बिहार, लीची तो आपने वैसे भी याद होगा काफी न्यूज में रहा है, एक चमकी फीवर जिसकी वजह से काफी सारे बच्चे मारे गए थे बिहार में, तो उसका कारण बताया गया था कि लीची की वजह से बीमारी हुई है, तो लीची का प्रोडक्शन बिहार में काफी होता है। देन आफ्टर पाइनएप्पल मेघालय, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र, एप्पल और वॉलनट, चाहे अखरोट की बात करें, चाहे सेब, ज्यादातर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश। तो ये हमारे पास फ्रूट्स, और उसके साथ साथ इन फ्रूट्स के साथ साथ हमारे यहां वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन भी काफी होता है भारत में, इसमें लगभग जो पूरे वर्ल्ड की वेजिटेबल का प्रोडक्शन उसका 13% केवल भारत में होता है। इंडिया प्रोड्यूस नियरली अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, और हमारे यहां जो महत्वपूर्ण सब्जियां हैं जो उगाई जाती हैं उसमें पीस, मटर, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये महत्वपूर्ण हमारे पास जो फसलें हैं वेजिटेबल्स के तौर पर जिनको हम ग्रो करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द क्रॉप्स अदर देन फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स के अलावा जो फसलें हमारे पास उसमें जैसे रबर है, कॉटन है, इन जूट है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा जो यहां तक था हमने पढ़ा फूड क्रॉप्स आइदर दे आर एज ए ग्रेन और विच आर नॉट यूज एज ग्रेन्स, जिसका हम अनाज के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, जैसे टी और कॉफी पीने में इस्तेमाल हो रही है, हमारे पास शुगर केन है वो शुगर वगैरह बनाने के लिए, जैगरी गुड़ बनाने के लिए, ये सारी फसलें हमने पढ़ी। तो ऑयल सीड में हमारे पास महत्वपूर्ण मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट, ये हमने इनके बारे में पढ़ा। 50% जो प्रोडक्शन है हमारा ग्राउंडनट का
टोटल जो हमारे पास ऑयल सीड का प्रोडक्शन उसका 50% केवल ग्राउंडनट से आता है। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट का, हालांकि आपकी बुक में आंध्र प्रदेश दे रखा है, मेक इट करेक्ट, इसको सही कर लें। गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, हालांकि प्रोडक्शन तो राजस्थान में भी होता है इसका। देन आफ्टर डिफरेंट क्रॉप्स आर देयर फॉर ऑयल सीड, कोकोनट, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड्स, कॉटन सीड्स, सनफ्लावर एक्सेट्रा। देन आफ्टर टू बेवरेज, इंपोर्टेड बेवरेज क्रॉप्स ऑफ इंडिया, टी एंड कॉफी। टी रिक्वायर्स ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इट मीन्स द कंट्रीज विच फॉल ऑन दोज ट्रॉपिक्स और लैटिट्यूड्स, जो लैटिट्यूड के ऊपर जितनी कंट्री आती है उसमें अच्छे से ये फसल उगाई जा सकती है। वेल फर्टाइल सोइल इज रिक्वायर्ड, अच्छी उपजाऊ मिट्टी चाहिए उसके लिए, वेल ड्रेन सोइल, पानी रुके नहीं, पानी आसानी से निकल जाए। ड्रेन आपका 9th क्लास में थर्ड लेसन था, अपुआ बहाव, तो पानी निकल जाए आसानी से। मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट, मॉइस्चर न रहे कंटिन्यू की, और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट का मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल ड्राई उसमें हो जाएगा, पानी उसको फ्रीक्वेंट चाहिए, लेकिन उसके अंदर जैसे हमारे पास जो धुंध वगैरह होती है वो सारी चीजें न हो लगातार, उसके साथ साथ ये लेबर इंटेंसिव है, उसके अंदर लेबर बहुत ज्यादा लगता है, मैनुअल लेबर, स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड, और उसकी प्रोसेसिंग भी, क्योंकि वहीं एक प्लांटेशन क्रॉप है, एक लार्ज एरिया पर एक ही फसल उगाई जाती है, वहीं प्रोसेसिंग की जाती है ताकि उसकी फ्रेशनेस बनाए रखी जा सके। देन आफ्टर कॉफी, पूरे वर्ल्ड का इसका हम 4% प्रोड्यूस करते हैं, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉफी कई बार एक नंबर पूछा जाता है, विच इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉफी ग्रोन इन इंडिया, अरेबिका, फ्रॉम वेयर इट इज इंट्रोड्यूस्ड, कहां से इंट्रोड्यूस की गई है, भारत में यमन से। उसके साथ साथ हमारा प्रोडक्शन ज्यादा कहां होता है, अब हमारे यहाँ कहां तक सीमित है, नीलगिरी, जो नीलगिरी की पर्वत श्रृंखला है साउथ में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, वहां ज्यादा प्रोडक्शन है। देन आफ्टर हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में स्टेट वाइज आपको अलग अलग डिस्कस किया गया है। देन वेजिटेबल्स, 13% ऑफ द टोटल वेजिटेशन प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन इज डन इन इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड 13% पूरे वर्ल्ड का वेजिटेबल का प्रोडक्शन भारत में होता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अबाउट नॉन फूड क्रॉप्स, जो हमारे पास खाने के अलावा जो फसलें हैं उनके बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। रेफर द बुक अगेन, आपको बार बार कहा गया है कि हो सकता है 100% कंटेंट इज नॉट ऑन द बोर्ड, पूरा का पूरा उस बुक में है, उतना मैटर हो सकता है आपको यहां न मिले, आप बुक को रेफर करें पढ़ते समय, इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कहीं कोई डाउट होते देन यू कैन आस्क, पूछे उसके बाद, एंड गो थ्रू द सिलेबस, जितना सिलेबस अब तक कराया गया उसको ध्यान से वापस पढ़ें। थैंक यू डेवलपमेंट।